कहते हैं वैष्णो देवी वही जाता है जिसे माँ का बुलावा आता है। कुछ दिन पहले मेरे साथ भी यही हुआ और मैं चल दी माँ के दरबार में। तो चलिए ब्लॉग करने के साथ साथ देखते हैं वैष्णो देवी की ये एक छोटी सी जर्नी। आनंदे आप कहाँ जा रही हो? वैष्णो देवी के। और जोर से बोलो। मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ और मम्मा व्लॉग भी कर रही है तो और मजेदार होगा। हम लोग आपको स्नीक पीक दिखाएंगे अपने चढ़ाई। तो मम्मा सब कुछ चेक इन साइड योर बैग। सब चेक है। चलो लेट्स गो। जोर से बोलो जय माँ। जोर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। देखो हम लोग आ गए। ओह वाओ बंपर जो यहाँ पर बड़ा मजेदार सीट है और आई ओन दिस बंपर। मम्मा को तो बड़ा मजा आ रहा होगा। मम्मा ने खाना अच्छा सा मंगवा लिया है। फूडी। दादी को भी मजा आ रहा होगा। दादी को ट्रेन बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर कितनी प्राइवेसी है। बाहर हो रही है बारिश, हवा चल रही है और यहाँ पर है मम्मा। ये हमारी आज की ओटीडी कैप टॉप लेगिंग एंड शूज। पापा हाय। जय माता दी। जय माता दी। दादी जय माता दी। और मम्मा मैं बस रेडी हो गई हूँ। हम लोगों ने काफी हद तक चढ़ाई कर ली है। आज सॉरी हार्डली आधा किलोमीटर है यहाँ से जो कि हम 10 मिनट में कर लेंगे। और बारिश हो जा रही है यहाँ पे रास्ते भर में। आगे वालो पीछे वालो। तो यहाँ पे माय मिस आनंद थोड़ी सी थक गई है। अनंत्या जय माता दी करते जाओ। आजा चलते जाओ। जगह जगह पे घोड़े पिट्ठू की सुविधाएं मिल जाती हैं और खाने पीने की बहुत सी चीजें हैं। हाँ और अब मम्मा का फेवरेट चीज होने वाली है खाना। हाय कैसी है? यम्मी है। तो मजेदार राजमा चावल का मजा लिया जा रहा है। आगे वालो पीछे वालो। जय माता दी। जय माता दी। तो हम भवन में आके नहा के तैयार हो गए नए कपड़ों में अनंत्या जी और अब हम माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। चलो और हम ये गंडोला से जाएंगे। जब हम पहले आए थे तो आनंद ये तो गंडोला नहीं चलते लेकिन आज हम गंडोला चल रहे हैं तो गंडोला से जाएंगे। तो हमने भैरव के लिए रोप वे का टिकट ले लिया जो कि 100 रुपीज है आना जाना और अब हम उसके लिए जा रहे हैं। ये और हर एक बंदे को अपनी टिकट खुद लेनी होती है। आज से पहले जब मैं वैष्णो देवी आई थी तब भैरव जाने के लिए ये ट्रॉली की सुविधा नहीं थी लेकिन अब तो मिनटों में ट्रॉली के साथ ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आया जा सकता है। तो हम भैरव के दर्शन करके आ गए और लगभग 11 बजे हमने चढ़ाई शुरू की थी और 5:30 तक हमारे दर्शन खत्म हो गए। अब हम थोड़ा सा कुछ खाएंगे क्योंकि हमने बीच में सिर्फ राजमा चावल और कढ़ी चावल ही खाई थी। तो अब कुछ खा के हम नीचे जाएंगे कटरा अपने होटल में और रेस्ट करेंगे। सागर रत्न में आ गया और देखो मैं क्या खा रही हूँ। छोले भटूरे मेरे फेवरेट है। साथ मिले ये यमी से भटूरे छोले और ये अंकुर लेके आया है मसाला डोसा। नीचे जा रहे हैं
और ये हमें नया रास्ता मिला है जो कि थोड़ा लंबा है। नॉर्मल रास्ता 5 किलोमीटर होता है, ये 7 किलोमीटर है, पर थोड़ा साफ है क्योंकि यहाँ पे घोड़े कच्चर कुछ नहीं है और भीड़ भी कम है। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जगह जगह पे लंगर होते हैं, सेवा खुद करनी पड़ती है, और मेरा मानना भी ये है कि सेवा खुद ही करनी चाहिए। तो अब मैं मैजिक ट्रिक दिखाने वाली हूँ। किसको? मम्मा को। कितने अटेम्प्ट्स हैं? आई होप वन अटेम्प्ट में काम आ जाए। दिस इज अ बॉटल, ठीक है? यहाँ पर अपना हाथ आ गया ना, ठीक है? मैंने नीचे रखा है इसके, ठीक है? एक मिनट। और फिर मैंने लिया एक कपड़ा, ठीक है? आपका कपड़ा आ रहा गिल्ले गिल्ले छा, देखो अम्मा। तो आप अगर आपको ये प्रैंक अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आपको ये ट्राई आउट करना है तो अपने मम्मा पापा के साथ जरूर ट्राई आउट करना। मेरा व्लॉग कब चोरी हुआ, मेरी जर्नी कैसे निकल गई, ये तो बातों बातों में पता ही नहीं चला। और जय माता दी करते हुए वीडियो को लाइक कर दें, और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।